की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि नोएडा से इस वक्त मिल रही है। सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर दिवालिया घोषित। लॉजिक्स बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया है। सेक्टर 143 लॉजिक्स ब्लॉसम जेस का मामला 2011 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट और 11 वर्षों में नहीं हुआ है पूरा। 14 टावर में 9 में अब तक नहीं हो पाया है निर्माण कार्य पूरा। तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लॉजिक्स बिल्डर की दिवालिया घोषित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर दिवालिया घोषित। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त जुड़े हुए हैं नोएडा से। पवन, अब मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है लॉजिक्स बिल्डर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से सुपरटेक और अब लॉजिक्स ब्लॉसम जेस का ये जो प्रोजेक्ट है ये दिवालिया घोषित हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जो आम आदमी की हैं वो बढ़ती लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने सपनों का घर लेने के लिए लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए इन बिल्डर्स के पास जमा कराए और 11 सालों से सिर्फ इंतजार होता रहा। अब 143 में लॉजिक्स ब्लॉसम जेस का जो मामला है वो साफ तौर पर यही बताता है कि एक तो देनदारी और ऊपर से जो बेचारे बायर से उनकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 500 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी की भी देनदारी लॉजिक्स पर है। अब देनदारी भी वसूल ली है और उसके बाद अब उन्हें दिवालिया भी घोषित कर दिया गया है। आईआरपी भी नियुक्त की जा रही है। तो किस तरीके से आखिर लगातार एक के बाद एक अगर बिल्डर इसी तरीके से दिवालिया घोषित होते जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है जो मुश्किलें हैं, जो संकट है, वो बायर्स पर गहराता जाएगा। इस बात पर ज़रूर ध्यान देना होगा और अपने खर्चों को कम ना करके, अपने अपने जो जितने भी बजट है उसको कम ना करके ये बिल्डर लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि वो एनसीएलटी में जाते हैं। सुपरटेक के बाद लॉजिक्स बिल्डर दिवालिया घोषित और अब ऐसे में आम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके तहत पवन, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास।